हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल यंगर ए। सो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपीएससी ईपीएफओ के बारे में। इसका 2023 का फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो आज के वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, सिलेबस, कट ऑफ, एग्जाम पैटर्न। तो इसलिए पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो इसमें टोटल 577 पोस्ट का वैकेंसी आया हुआ। सबसे अच्छी बात है, कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसमें आपका कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है फीमेल एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। ठीक है, फीमेल एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो 1 लाख रुपीज पर मंथ यहां पे आपका अप्रॉक्स सैलरी होगा। इसमें आपका सिंगल एग्जाम के बेस पे सिलेक्शन होने वाला है। उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, इसको जरूर से ज्वाइन करिए। इसमें मैं सारे वीडियोस की लिंक शेयर करता हूँ। देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 418 पोस्ट का वैकेंसी आया हुआ है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर इन ईपीएफओ। सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो लेवल 8 की सैलरी मिलेगी, मतलब 80,000 के आसपास आपकी सैलरी होगी पर मंथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एज लिमिट 30 ईयर है, मतलब 30 साल तक अप्लाई कर सकते अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो। बाकी एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल यहाँ पे आपको मिल जाएगा, एससीएसटी 5 साल, ओबीसी 3 साल। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, सिर्फ ग्रेजुएशन होना, कोई परसेंटेज की जरूरत नहीं है। सिंपल सा अगर आपने ग्रेजुएशन पास किया है अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपके ड्यूटीज क्या क्या रहेंगे, काम आपको क्या क्या करना पड़ेगा, पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगले पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो 159 वैकेंसी इसमें आई हुई है, जो कि है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर इन ईपीएफओ। इसका 159 पोस्ट का वैकेंसी आया हुआ है, तो टोटल 577 पोस्ट का इसमें वैकेंसी आया हुआ है। बात की जाए इसके सैलरी की तो लेवल 10 की सैलरी मिलेगी, मतलब 1 लाख रुपीज पर मंथ के आसपास, और 35 साल इसमें मैक्सिमम एज लिमिट दी गई है। बाकी एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल एससी एसटी 5 साल, ओबीसी 3 साल तक मिल जाएगा। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपका डिग्री होना, ठीक है, डिग्री होना कोई भी यूनिवर्सिटी से, कोई भी डिसिप्लिन से आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी दिया हुआ है, अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं है फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डिजायरेबल का मतलब होता है कि मैंडेटरी नहीं है, है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा इस तरीके का। बाकी इस भी पोस्ट की ड्यूटीज आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या होने वाली है। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूँ तो 25 फरवरी 2023 से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है 17 मार्च 2023 है, तो जितना जल्दी हो सके इसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा। हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में रहेगा, बट आपकी जो पोस्टिंग होगी एनीवेयर इंडिया में हो सकती है। प्रोबेशन आपका 2 साल का इसमें रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो पेन एंड पेपर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट आपका होगा, मतलब आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसी के बेस पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। सो एग्जामिनेशन डेट आपको बाद में पता चल जाएगी जैसे ही वो अपडेट करेंगे। सो ईओ या एओ, इन दोनों पोस्ट के लिए जो एग्जामिनेशन पैटर्न है मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। सारे क्वेश्चन सेम मार्क के होंगे, हिंदी और इंग्लिश दो मीडियम में पेपर होने वाला है। निगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3। सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो सिलेबस यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल इंग्लिश रहेगा, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल रहेगा, करंट इवेंट एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, फिर इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज, फिर जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब मैथ्स और रीजनिंग, फिर सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। ये आपके टोटल 9 टॉपिक्स रहेंगे। वेटेज की अगर हम बात करूँ तो 75% जो है एग्जाम का वेटेज रहेगा और 25% आपका इंटरव्यू का वेटेज रहेगा। उसके बाद आपका जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोविडेंट कमिश्नर है, इसमें आप देख सकते हैं ये भी आपका 2 घंटे का पेपर रहेगा। इसमें भी आपके सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क के होंगे, ऑब्जेक्टिव रहेगा, हिंदी इंग्लिश में रहेगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3। सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे, इंडियन कल्चर हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट एंड करंट इवेंट, पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉस, इंश्योरेंस, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जनरल साइंस, एलिमेंटरी मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स एंड जनरल मेंटल एबिलिटी, मतलब मैथ्स, एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। इसमें भी आपके 9 टॉपिक होंगे। एग्जाम का वेटेज जो है 75% रहेगा, इंटरव्यू का 25% रहेगा। एग्जामिनेशन सेंटर की अगर मैं बात करूँ तो 79 सेंटर है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, आपको सेंटर देखने को मिल जाएंगे। बाकी इंटरव्यू की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 मार्क्स आपको मिनिमम लाना होगा अगर आप जनरल कैटेगरी के हो। ओबीसी को 45 मार्क्स लाना पड़ेगा और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, इनको 40 मार्क्स मिनिमम लाना होगा। एप्लीकेशन फी जैसे कि मैंने आपको बताया, एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट इनको कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को भी कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है। बाकी सभी कैटेगरी की एप्लीकेशन फी 25 रुपए है ओनली। ठीक है, 25 रुपए आपको एप्लीकेशन फी लगेगी। बाकी फीमेल एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लगेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते। बाकी 2020-21 में जो इसका एग्जाम हुआ था, इसमें आप देख सकते हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन किस किस के आए थे। जनरल इंग्लिश, मतलब इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आए थे, हिस्ट्री के 16 क्वेश्चन आए थे,
इंडियन पॉलिटी के 4 क्वेश्चन आए थे, इंडियन इकोनॉमी करंट इवेंट एंड डेवलपमेंट इशू इसके 3 क्वेश्चन आए थे, रीजनिंग और मैथ्स के 15 क्वेश्चन आए थे, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, इंडस्ट्रियल रिलेशंस इसके 8 क्वेश्चन आए थे, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल इसके 9 क्वेश्चन आए थे, करंट अफेयर के 21 क्वेश्चन आए थे, जनरल साइंस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसके देख सकते 14 क्वेश्चन आए थे, कंप्यूटर एप्लीकेशन के 10 क्वेश्चन आए थे। तो यहां से आपको आइडिया लग गया कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हो सकता है ये चेंजेस भी हो सकते हैं, लेकिन पिछले साल का मैं आपको बता रहा हूं। सो लास्ट ईयर जो है टोटल 421 पोस्ट का वैकेंसी इसमें आया हुआ था। इसमें आपका रिटर्न एग्जाम जो है 300 मार्क का होता है और इंटरव्यू जो है 100 मार्क का होता है, ठीक है। कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 300 में से जनरल का 187.39, ओबीसी का 173.12, एससी का 160.51, एसटी का 156.30 और ईडब्ल्यूएस का 171.43, पीएचएचआई कैंडिडेट का 101.67, पीएचओएच कैंडिडेट 154.61। इंटरव्यू की अगर बात करूं तो ऑलरेडी कट ऑफ डिसाइडेड था, ठीक है, डिसाइडेड ही रहता है इसका। तो फाइनल सिलेक्शन की अगर हम बात करो, आउट ऑफ 400 जनरल कैटेगरी का 259.33 नंबर जिसने लाया था उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया था, ओबीसी में 244.51 कट ऑफ गया था फाइनल, जिसका फाइनल सिलेक्शन हुआ था इंटरव्यू प्लस रिटर्न को मिला के, एससी का 234.39, एसटी का 231.87, ईडब्ल्यूएस का 246.8, पीएचएचआई का 169.28 और पीएचओएच का 242.99, ये कट ऑफ गया था आउट ऑफ 400। तो पिछले साल इसका एग्जाम जो है 230,820 लोगों ने दिया था टोटल, ठीक है। तो ये था इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी। अगर आप जो है एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत आसान जा सकता है, लेकिन अगर आप बैंकिंग पैटर्न पे हो तो सोच समझ के इस फॉर्म को भरना, सैलरी देख के और ये सब चीजें देख के फॉर्म नहीं भरना कभी भी। अगर आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो हाँ, आप भर सकते हैं इस फॉर्म। सो सिलेबस पढ़ने के लिए आप किसी बुक को फॉलो कर सकते हैं, इसके लिए कोई बुक अगर होंगी तो मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा, अभी तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। बाकी कोई कोर्स अगर इसके रिगार्डिंग कोई लॉन्च होता है नया कोर्स तो उसके रिगार्डिंग मैं अपडेट कर दूंगा। इस बार मैं इसका फॉर्म भर दूंगा, देख लूंगा कि किस तरीके का एग्जाम आता है। हालांकि जो लेवल होता है वो कहीं ना कहीं इजी लेवल होता है इसका, ज्यादा हार्ड नहीं होता है एकदम, बट हाँ सिलेबस तो आपको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। पूरा सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, आपको पूरा करना होगा। कुछ भी अगर इसके बारे में डिटेल जानकारी आती है, पेड कोर्स से रिलेटेड या ऐसा कुछ जो भी मैं ज्वाइन करूंगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो यही आपको अपडेट देना था, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया लाइक करना, आपके दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना और कुछ कमेंट होगा तो कर देना फ्रेंड। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, गुड बाय।